दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एम के मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। और दोस्तों आज हम आपके सामने एक नए एवियन पेशेंट के साथ पेश हुए हैं। ये हमारे आंध्र प्रदेश से थे, हमारे चंद्रमोहन जी। हालांकि ये बहुत परेशान थे और बहुत ज़्यादा मात्रा में मेडिसिन भी लिए, लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं मिला और इन्हें भी रिप्लेसमेंट की ही सलाह दी गई। और बेचारे ये घर में बैठे रहे और अपना जो है जैसा भी है, फिलहाल में कहीं ना कहीं से इनसे मुलाकात हुई और ये मेडिसिन लेना स्टार्ट किए। और हालांकि इनको बहुत अच्छा आराम मिला और मान के आप चलना कि 1 महीने 25 दिन के आसपास ये हमारी मेडिसिन लिए और इतने में ही बहुत अच्छा इनको रिलीफ लग गया, पेन में भी, लिम्पिंग में भी। और मान के चलना कि सारी बॉडी पेन था, मसल्स पेन था, सारे पेन्स में इनको बहुत अच्छा रिलीफ मिला। और इनका आप वीडियो देखें। और हालांकि आज ये चलने के काबिल बन गए हैं। जो बेचारे ये बिस्तर में थे, कोई काम नहीं कर पाते थे, कम से कम आज अपना काम करना चालू कर दिए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो देखें और आनंद लें। और फिलहाल में जैसा भी है, आप लोग समझदार हैं और देख के निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक एवियन पेशेंट की क्या कंडीशन होती है और वो किस सोचो उसका माइंड लेवल क्या होता है कि सामने ज़िंदगी हो और सामने भाग दौड़ की ज़िंदगी हो और आपको एवियन हो जाए। और कोई व्यक्ति अगर पैर से चल ना पाए तो सोचो उसकी क्या हालत हो सकती है। और आप दोस्तों ये जान सकते हैं कि मुसीबत में सारे लोग साथ छोड़ देते हैं। तो फिलहाल में दोस्तों आप लोग वीडियो देखें और आगे आप लोग देख के समझ सकते हैं कि इनकी हालत कैसी थी और आज ये कैसे बन चुके हैं। ఒకసారి నడు వీటికి నడువు ఏం కాదు ఇంట్లోనే నడువు मेरा नाम चंद्रा मोहन, मैं रहता हूँ कलवा कुर्ती, नागर कर्नूल डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना स्टेट। जो मैं 2.5 मंथ से ये एवियन प्रॉब्लम से बहुत सफ़र हो रहा हूँ। और मैं मेरे को मार्च 23 को एवियन बोल के मालूम हुआ। एक 10 दिन में पूरा हैदराबाद में जो आर्थोपेडिक हॉस्पिटल है पूरा हॉस्पिटल फिरा। हर हॉस्पिटल में गए तो मेरे आर्थोपेडिक डॉक्टर ने ऑपरेशन के सिफारिश करे, ऑपरेशन कर लेना छोटा बोल के बोले, फिर उसका भी गारंटी बोल नहीं दे तुम बोल के बोले। बाद में बहुत हमारा घर वाले कोई भी नहीं माने, ऑपरेशन बोले तो हमारे घर में कोई भी नक्को बोल के बोले। बाद में हम वीडियो पूरा चेक कर रहे थे, हमारा डॉक्टर मिश्रा साहब की वीडियो देखे वीडियो मिश्रा साहब को फ़ोन करे। मिश्रा साहब ने हमारे तो तेलंगाना एपी में से पहले गोपी अन्ना बोल के गुंटूर में रहते, उसको धन्यवाद गोपी अन्ना का नंबर दिए। मैं गोपी अन्ना से बात करके गोपी अन्ना का सजेशन दिया, मेरा गोपी अन्ना बड़ा बड़ा गुड सजेशन दिया, मिश्रा डॉक्टर साहब की यूज़ करो अच्छा रहता बोल के। मैं 5 अप्रैल को साहब को डॉक्टर साहब से, मिश्रा डॉक्टर साहब से दवा मंगा लेके कार्य 2 महीना हुआ। 2 महीने से मेरा बहुत रिलीफ है, आप वीडियो देख सकते हैं मेरे। 2 महीने के नीचे मेरे को कितना तकलीफ हुआ था चलने में, अभी 2 महीने में कितना रिलीफ हुआ आपको मालूम होता। अभी मैं पूरा 6 मंथ्स to 8 मंथ्स पूरा कोर्स कंप्लीट करना बोल के चाह रहा हूँ। अभी तो 50% मेरे चलने में तकलीफ कम हुआ और पेन में भी अबो 50% रिलीफ है। मैं बहुत अच्छा डॉक्टर साहब मिश्रा साहब साहब मिल के मैं बहुत अच्छा दवा खा के अच्छा करा। और मेरा जो है, मैं डॉक्टर साहब जैसा डाइट बोले वो डाइट को मैं स्ट्रिक्टली फॉलो हूँ। हर दवा क्या बोले तो मेनली आयुर्वेद को होम्योपैथी में इम्पॉर्टेंट डाइट फॉलो करके स्ट्रिक्टली हम डॉक्टर साहब इंस्ट्रक्शन को यूज़ करें तो इंस्ट्रक्शन फॉलो करें तो रिजल्ट अच्छा रहता। जैसा डॉक्टर साहब बोले मैं 90% अबो डाइट मेंटेनेंस कर रहा हूँ।
इसलिए मेरे 2 महीने में बहुत रिलीफ आ। जिंदगी भर मैं डॉक्टर मिश्रा साहब को मैं जिंदगी भर याद रख लेता हूँ, जिंदगी भर उसको मैं कृतज्ञता रहता हूँ। डॉक्टर साहब मिश्रा डॉक्टर साहब की यूज करिए, आपको भी अच्छा रहना, हर हिंदुस्तान में हर आदमी अच्छा रहना बोल के मैं ये वीडियो बना के लगा रहा हूँ, वीडियो रख रहा हूँ। सबको धन्यवाद। हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि हमारे चंद्रमोहन जी जो कि आंध्र प्रदेश से थे, और सोचो इनकी क्या हालत थी, और बहुत ज़्यादा ये परेशान थे। हालांकि बेचारे ये बहुत खुश हैं और इनको आराम मिला, ये प्रभु का आशीर्वाद था। फिलहाल में हमारे चंद्रमोहन जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएं, हम प्रभु से यही निवेदन करते हैं। लेकिन देखो देखो दोस्तों, मैं सिर्फ बार बार आप लोगों से यही कहा हूँ कि कमियों को पूरा कर देना ही चिकित्सा है। ठीक है भाई, प्यास लगी है तो केवल पानी चाहिए, महंगी वाली वाइन आपको नहीं चाहिए। ठीक है, बेशक वो महंगी है, तो इस बॉडी में बिना कमियों के मर्ज नहीं होता, और जो कमियों को पूरा कर दे वही सही चिकित्सक है। ठीक है, और मान के आप चलें कि आप लोग तो समझदार हैं दोस्तों, भाई पेन किलर से स्टेराइड से कुछ नहीं होने वाला है, वो तो मान के आप चलना कि बस एक भाई टेम्परेरी व्यवस्था है वो। ठीक है, लेकिन ये है कि कमियों को पूरा कर देना ही चिकित्सा है। तो दोस्तों आप लोग प्राकृतिक चीज़ें लें, और मान के आप चलें कि रिकवरी सभी की होती है। अब ये है कि भाई जी, जैसे आप ये मान के चलो कि जो लोग फर्स्ट स्टेज में है, सेकंड में है, थर्ड में है, तो वो थोड़ा सा जल्दी ठीक हो जाते हैं, और थोड़ा सा फोर्थ स्टेज में हल्का सा टाइम टेकिंग तो होता है, लेकिन रिकवरी सभी की होती है। और हमारे यहाँ फोर्थ स्टेज के भी ऐसे भी लोग हैं जिनका वॉल पूरा का पूरा डैमेज हो गया था, लेकिन मान के चलना उनके वॉल भी बहुत अच्छे हो गए हैं, और जो उनका दर्द था, पेन था, लिम्पिंग था, आज वो बहुत अच्छे हो चुके हैं। थोड़ा सा अब फोर्थ स्टेज में टाइम टेकिंग हो जाता है, क्योंकि देखो अगर किसी का भाई कूल्हा ही गल जाए, हड्डियां ही गल जाएँ, तो बहुत बड़ी बात होती है। छोटा मोटा मर्ज आप इसे नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ रिकवरी सभी की होती है और सभी लोग ठीक होते हैं। तो दोस्तों आप लोग जो है नेचुरल चीज़ें लें, और सही डॉक्टर से इलाज लें, और आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, प्रभु आप लोगों को जल्दी से ठीक कर दें, और जहाँ भी रहें आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।